जय हिंद हमारे प्यारे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहली बात, सीएसएफ फायरमैन आरबी सेकेंड ब्रांच जो है रांची में दोस्तों धुरवा, उसमें जिस किसी का भी सीएसएफ की सेंटर पड़ी होगी तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को टाइम में कितना बार पहुँचना है दोस्तों, और साथ में आप लोग को इस वीडियो के बारे में बताएंगे कि वहाँ कितने बैच बनाए गए दोस्तों और कितने कितने बैच में दौड़ाए गए, साथ में वहाँ के जो रनिंग ट्रैक है वहाँ कैसा है दोस्तों, साथ में आप लोग को लाइव दिखाएंगे क्योंकि हमारे दोस्त एक यहाँ पर पहुँच चुका है दोस्तों, सीएसएफ के ब्रांच में है दोस्तों, और वहाँ से हमको लाइव करके वीडियो भेज दिया है दोस्तों। और इस वीडियो को हम दोस्त के माध्यम से जिस तरह बताया दोस्तों उसी तरह के माध्यम से बताएंगे दोस्तों, साथ में दोस्त का आवाज़ भी सुनाएंगे कि आखिर वो आप कहाँ बोला गया दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को वहाँ क्या करना है, सबसे पहले इसमें हाइट किसे मेजरमेंट किया जा रहा है दोस्तों उसको भी आप लोग को इस वीडियो में जानकारी देंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को वहाँ 4:30 बजे के बीच में पहुँच जाना है, और 5 बजे क्या करता है लाइन में लगा दिया जाता है। 5 में लाइन लगाए जाने के बाद दोस्तों पक्का 5:30 बजे से लगभग में 5:30 बजे तक आप लोगों को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, इंटर कर दिया जाता है। जैसे दोस्तों आप लोगों को इंटर करने के लिए सबसे पहले क्या क्या मांगा जाता है, आईडी प्रूफ मांगा जाता है और एडमिट कार्ड दोस्तों, ठीक है। एडमिट कार्ड को मोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि एडमिट कार्ड को स्कैन किया जाता है वहाँ पर दोस्तों, तो एडमिट कार्ड को मोड़ना नहीं है। आईडी प्रूफ में आपको वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग को जैसे ही इंटर किया जाएगा तो आपको हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। हाइट में आप लोग को दोस्तों हाइट में भी देख रहे हैं अधिकतर बच्चा क्या हुआ है, नहीं निकला हुआ है, तो आप लोग हाइट को ध्यान से देखें। और हाइट को सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं हाइट किस तरह मेजरमेंट किया जा रहा है। हाइट जिसका भी दोस्तों 170 हो रहा है वह जा सकता है दोस्तों, क्योंकि हाइट में अधिकतर देख रहे हैं कि वो छाटा जा रहा है। आपका चेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग को कोई दिक्कत इससे नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों हाइट के मेजरमेंट करने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या क्या किया जाएगा, वेट मेजरमेंट किया जाएगा, उसके बाद वेट मेजरमेंट करने के बाद दोस्तों आपको चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। देख सकते हैं चेस्ट मेजरमेंट करने के बाद दोस्तों पीछे दोस्तों लाइन पर लगाए दोस्तों, आप लोग को इसी तरह वहाँ पे सेम टू दोस्तों या मेरे दोस्त द्वारा वीडियो किया गया था इसी के लिए आपको बनाया दोस्तों, वीडियो देख सकते हैं सेम टू आप लोग को सेम दोस्तों, आप लोग जो सीएसएफ ब्रांच रांची है दोस्तों, आरबी ब्रांच रांची, वहाँ की जो वीडियो है दोस्तों वहाँ सब लाइव करके लाए दोस्तों। सेम इसी तरह आप लोगों को क्या होगा, हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट और वेट मेजरमेंट होगा दोस्तों, देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात दोस्तों आप लोग जो हाइट जो नापा जा रहा है वो परफेक्ट नापा जा रहा है, लेकिन चेस्ट दोस्तों थोड़ा कम ही रहने के बाद भी निकाल दिया जा रहा है, ऐसा दोस्त के बताया गया दोस्तों, और हम बता रहे हैं देख ही सकते हैं दोस्तों कि हाइट पर छोड़कर देखिए उसके हाइट थोड़ा सा कमी हो जाने के बाद देखिए इसका नापा जा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों जिस तरह आप लोग इधर नापते हैं देखिए इसका हाइट नापा जा रहा है दोस्तों। हाइट नापने के बाद दोस्तों देखिए देख सकते हैं इसका हाइट शायद थोड़ी सी कमी रह गई दोस्तों उसका, लेकिन तो भी निकाल दिया जाता है दोस्तों। इसके देख सकते हैं हाइट दिखा रहा है इसकी कमी हो गया, जिसके कारण अब इसको वेट पर चढ़ाया जाएगा दोस्तों, और वेट नापने के बाद फिर इसका चेस्ट नापा जाएगा, देख सकते हैं इसका चेस्ट पर चढ़ा गया, वेट पर चढ़ा गया है। वेट नापने के बाद दोस्तों इसको जस्ट ही चेस्ट नापा जाएगा, और चेस्ट नापने के दोस्तों इसको आगे फिर भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को सेम एज इसी तरह आप लोगों को क्या किया जाएगा, हाइट चेस्ट और वेट मेजरमेंट होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं वहाँ उसके बाद होने के बाद आप लोग को जिस उसके बाद आप लोग को वहाँ से हो जाने के बाद आप लोग को क्या किया जाएगा, दौड़ाया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दौड़ के आ जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ आने के बाद दौड़ के आने के दोस्तों आप लोग को यहाँ पे लिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों वहाँ जो उस ब्रांच में सीएसएफ रांची की जो ब्रांच में दोस्तों ध्रुवा वाला वहाँ कोई खाने पाने की सुविधा नहीं दोस्तों, आप लोग खाने पाने की सुविधा ले जा सकते हैं, पानी भी की सुविधा वहाँ नहीं है दोस्तों, तो ये सब सुविधा अपना बाहर से ही लेके जाएँ ताकि आप लोग को वहाँ दिक्कत ना हो दोस्तों। सबसे पहले बात दोस्तों आप लोग को अपना दोस्त की आवाज़ सुनाते हैं कि वह दोस्त आखिर वहाँ पर गया तो कौन गया था दोस्तों, उसको भी हम दिखा देते हैं, आखिर दोस्त भी खुश हो जाना चाहिए दोस्तों की वीडियो में उसको भी डाल दे रहे हैं। देख ही सकते दोस्तों आप लोग को भी यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले बात दोस्तों हाइट मेजरमेंट के बारे में दौड़ाया जाएगा, किस ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा उसको भी बताएंगे दोस्तों, उस ट्रैक में कितने बैच बना कर दौड़ाया गया था। सबसे पहले दोस्तों उस बैच में जो ट्रैक में जो दौड़ाया गया था उस ट्रैक में आप लोग को 3 बार दौड़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 बार दौड़ाने के बाद दोस्तों आपका 5 किलोमीटर पूरा जाएगा, उसको 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना रहेगा दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों भाई की यार विश्वास कैसे होगा, एक तो मेरा दोस्त खींचा था, देखो इधर देखो छोटो यार, लो और देर तक बना दें, जूता से ले लेते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद दोस्तों यही आप लोगों को क्या है, ट्रैक है दोस्तों, और इसी ट्रैक में दोस्तों सबसे पहले बात जो बैच बनता था वह बैच बनता था 55 और 56-60 के बीच में बनता था दोस्तों, और उतना आप लोग को दौड़ा जाता है। देख सकते हैं तो ये जो आप लोग को जो दिख रहा है दोस्तों ट्रैक जो रोड ट्रैकिंग दोस्तों यही आप लोग का ट्रैक है दोस्तों, और इस ट्रैक में दोस्तों आप लोग को जो रोड है वह सीधी गई है दोस्तों, और फिर आगे जाके कम से कम लगता है 5 किलोमीटर मतलब
तीन बार दौड़ा जाता दोस्तों, एक बार इधर से दौड़ाने के बाद फिर वापस बगल वाले रोड से लाया जाता है और फिर एक बार उसी रोड में फिर से दौड़ाया जाता है और वहाँ तक पहुँचाया जाता है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग को ट्रेकिंग दिखाते हैं दोस्तों सामने से जाके, देख सकते हैं यही ट्रेकिंग है। इस सामने वाली दौड़ में फिर आपको इधर से जाते हैं दोस्तों और फिर उधर से घूम के आना रहता है और फिर एक बार इधर से फिर जाना रहता है दोस्तों, यानी तीन बार आप लोग को कंप्लीट किया जाता है तब आप लोगों का 5 किलोमीटर कंप्लीट होता है दोस्तों। चौबीस मिनट माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे जितने भी लड़के गए हैं वह लगभग दोस्तों क्वालीफाई होगी, डिसक्वालीफाई बहुत ही कम होंगे दोस्तों। तो अपना दोस्तों जिसका भी कॉन्फिडेंस लो होगा वह कॉन्फिडेंस बना के जाए दोस्तों, ताकि वहाँ की दिक्कत आपको ना हो दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों वहाँ खाने पाने की सुविधा एकदम नहीं है। इसी रोड पे हम लोग रनिंग कर रहे थे, जो ट्रैकिंग है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग है दोस्तों, आपको इसमें दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको देख सकते हैं इस रोड से आपको दौड़ा जाएगा और फिर बगल वाला रोड से आपको फिर लाया जाएगा दोस्तों वापस, और फिर एक बार दोस्तों इसी रोड में आपको दौड़ा जाएगा लगातार दोस्तों, तब आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर कंप्लीट करा रहेगा दोस्तों। तो अगर इस चैनल में जो भी नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि सियासत से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों, साथ में ऑल गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों एंट्री करते समय दोस्तों जो दिख रहा था सियासत धुरवा की जो दोस्तों सीन दिख रही थी दोस्तों, बाहर बाका बड़ा जो गेट था वहीं के सामने लोग आ गया दोस्तों। उसके बाद सिंपली दोस्तों आप लोग को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और निकालने में दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप लोग को जो वहाँ पे कोई भी कागज़ नहीं दिया जा रहा है, यहाँ कोई भी आप लोग को कागज़ नहीं दिया रहा है, आप लोग को वेबसाइट पर फिर सियासत की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा कि आप लोग को क्वालिफाई हो चुके हैं फिजिकल, तो आप लोग को कोई कागज़ देके वहाँ से नहीं दी जा रही है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को वहाँ बोल दिया गया है कि आप लोग जो सियासत की वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो आप लोग को वहाँ कंप्लीट पास किया हुआ रहेगा दोस्तों, आप लोग को मतलब क्वालिफायर किया रहेगा दोस्तों। बाहर निकलने पर सारे ऑटो पर बैठते हैं और अपना फिर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर इस वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट आप तक पहुँच सके दोस्तों। देख सकते हैं यही है सियासत धुरवा दोस्तों, रांची ग्राउंड दोस्तों, और आप लोग को इसी में दौड़ना है। तो अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें जरूर, ताकि और आपको फ्रेंड तक पहुँचे वीडियो और यहाँ की थोड़ी जानकारी ले सके दोस्तों, ताकि यहाँ आने के बाद आपको उसको घबराहट फील ना हो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियासत जवान।